दोस्तों आज से 15 जून से गणित और रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ज्वाइन कीजिएगा, कोई फीस नहीं लगेगा। जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा। 8 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। भाई हमें करना क्या है कि 9 की पावर 6 प्लस 1 में 8 से भाग देना है। अब मैं यहाँ पर एक चीज अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि कितनी भी पावर क्यों ना हो, यहाँ पर चाहे 6, 7, 8, 100, 200, 1000, 2000 कुछ भी पावर हो, उसके लिए एक तरीका है। जैसे कि अगर पावर आपके पास सम दी गई है तो सम पावर है, जैसे कि पावर 6 है, इसका मतलब ये सम है। तो सबसे पहले पावर आप 2 रख के देखेंगे, अगर 2 रखने से आंसर नहीं आया तो 2 के बाद में सम संख्या 4 होती है, 4 रख के देखेंगे, अगर 4 रखने से भी नहीं आया तो 6 रखेंगे। वैसे आप यहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, 2 रखने से ही आंसर आ जाएगा, अगर 2 से नहीं आया तो 4 से आएगा, 6 तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि 4 रखने से नहीं आए तो 6 रख लीजिएगा, ठीक है। ये सम पावर की बात हो गई। अगर पावर विषम दे दी जाए, ठीक है, अगर पावर विषम दे दी जाए तो सबसे पहले पावर आप 1 रखेंगे, अगर 1 रखने से आंसर नहीं आया तो फिर 3 रखेंगे, अगर 3 रखने से भी नहीं आया तो 5 रखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। विषम संख्या बढ़ती जाएगी, 5, 7, 9 ऐसे, लेकिन इतने आगे तक आप कभी नहीं पहुंचेंगे। सम संख्या में 2 या 4 रखने से आंसर मिलेगा, विषम में 1 और 3 से ही मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 9 की पावर 6 मतलब सम पावर है, जब पावर सम है तो पहले 2 रखेंगे, तो 9 की पावर पहले मैं 2 रखूंगा, ठीक है, और उसमें प्लस 1 और भाग देना है हमको 8 से। क्लियर हुई बात? अब देखिए 9 की पावर 2 का मान 81 होता है, 81 में जोड़ेंगे 1, ठीक है, और बटे 8, 81 में 1 जोड़ेंगे तो ये 82 हो जाएगा, और डिवाइड देना है हमको कितने से, 8 से। अब देखिए 8 से मैं डिवाइड दूंगा इसमें तो कितनी बार कटेगा, 8 धाम 80, 8 से 10 बार में 80 तक कट गया। अब 82 में से जब 80 तक कट गया तो शेष कितना बचा, 2 ही तो शेष बचेगा भाई आपको, क्लियर है, कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा भाई। 8 से मैं डिवाइड दूंगा 80 तक जाएगा, 82 में मैं डिवाइड दे रहा हूँ 80 तक की तो जाएगा, 2 शेष बच जाएगा, और शेष फल ही पूछ रहा है क्या होगा भाई, 2 शेष होगा, 2 दे रखा है, डी ऑप्शन में आंसर आ गया, क्लियर है, अच्छे समझ में आया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 53 की पावर 82 प्लस 53 में 54 का भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने आपको क्या बताया है, अगर पावर आपकी सम दी जाए, पावर सम दी जाए तो पावर 2 लेंगे या फिर 4 लेंगे, अगर इससे आंसर नहीं आया तो फिर 6 ले लेंगे, अगर पावर विषम रहेगी, पावर विषम रहेगी तो पावर 1 लेंगे, 1 से आंसर नहीं आया तो 3 लेंगे, अगर 3 से भी नहीं आया तो 5 ले लेंगे, यही बताया है। अब देखिए यहां पर क्या है, मैं आपको इस प्रश्न को 2 तरीके से सॉल्व करके बता देता हूं, एक तो वही तरीका और एक और दूसरा तरीका जो यहाँ पर काम कर देता है शॉर्टकट, ठीक है। अभी हम जो तरीका सीख रहे हैं उसी से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे कि 53 की पावर 82 है, जब पावर मेरी सम है तो पावर पहले मैं 2 लूंगा, तो देखिए 53 की पावर मैं 2 लूंगा प्लस उसमें 53 को जोड़ूंगा और डिवाइड करूंगा मैं 54 से, यही तरीका है मेरा पहला करने का। अब देखिए 53 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आपको पता है कि 53 का स्क्वायर कितना होता है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 2800, ठीक है, 2809 होता है 53 का स्क्वायर, तो 53 का स्क्वायर 2809 होता है, मैं लिख देता हूँ, मुझे याद है मैंने लिख दिया 2809, और प्लस उसमें क्या करना है भाई, 53 को ही प्लस कर देना है, तो 53 को ही मैं प्लस कर दूंगा, और डिवाइड इसको कितने से करना है, 54 से करना है। इतना क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखिए 2809 में मैं 53 और जोड़ दूंगा, 2809 में मैं 53 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 2862 हो जाएगा, ठीक है, 2862। अब इसमें क्या करना है, 54 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं इसे कटा लूंगा, सबसे पहले तो 2 से कटाऊंगा तो ये 27 बार में कटेगा, और 2 से कटाऊंगा तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 त्रिका 6 और 2 एकम 2, कट गया ना। अब 9 से कटा दू, 9 त्रिका 27 और 9 से कटा दू तो 9 एकम 9, 5 बचेगा 53, 9 5 45, 8 बचेगा 1 जोड़ देंगे उसमें 81, 9 निमेगा 81, ठीक है। अब 3 से कटा लो भाई, 3 5 15, 3 53 9, पूरा कट गया 53 बार में, शेष तो कुछ भी नहीं बच रहा है, यहाँ पर पूरा कट रहा है भाई, पूरा 53 बार में कट गया, शेष कुछ भी नहीं बचा, हमसे शेष पर पूछ रहा था, शेष कुछ भी नहीं बचा, जब कुछ भी शेष नहीं बचा तो 0 आंसर आ जाएगा,
ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला तरीका, जीरो आंसर आ गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है जो यहां पर काम करता है, दूसरा तरीका ये है कि आपका प्रश्न था कि 53 की पावर 82 प्लस उसमें 53 जोड़ना है और डिवाइड करना है 54 से। तो हमेशा याद रखिएगा कि यहां पर जो हम डिवाइड कर रहे हैं 54 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर हमें डिवाइड वाली संख्या इस संख्या से एक अधिक है, कितनी अधिक है, एक अधिक है, याद रखना 53 में डिवाइड कर रहे हैं 54 से, एक अधिक से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, क्या कह रहा हूं मैं, पावर चाहे सम हो चाहे पावर विषम हो, अगर मैं 53 में 54 से डिवाइड कर रहा हूं एक अधिक से, या फिर 52 में 53 से डिवाइड करूं, 27 में 28 से डिवाइड करूं, एक अधिक से अगर मैं डिवाइड करूं, तो यहां पर सिर्फ एक ही आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है, एक आ गया प्लस यहां पर कितना है 53 है और डिवाइड कितने से कर रहे हैं हम 54 से, एक और 53 जोड़ेंगे तो ये 54 ही हो जाएगा और 54 में 54 से भाग दे देंगे, शेष कुछ भी नहीं बचेगा, तो जीरो आंसर आ गया, ठीक है। ये तब के लिए है जब हम एक अधिक से कर रहे हैं, याद रखना इस बात को मेरी को, ठीक है, क्लियर हुई सभी को बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 4 की पावर 61 4 की पावर 62 4 की पावर 63 4 की पावर 64 किससे पूर्णतः विभाजित होगा। चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या ऐसी है जो पूरी तरह विभाजित कर देगी। देखिए हमारे पास जब इतना पता है कि 4 की पावर 61 यहां पर है, तो 4 की पावर 61 यहां पर भी है भाई, 62 में 61 शामिल है, और यहाँ पर 63 है तो इसमें भी 61 शामिल है, यहाँ 64 है तो इसमें भी 61 शामिल है, तो 4 की पावर 61 यहाँ पूरे में से कॉमन आ जाएगा, 4 की पावर 61 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 4 की पावर 61 गया एक बचा, प्लस यहाँ से 4 की पावर 61 गया तो 62 में से 61 गया तो 4 की पावर 1 बचा, प्लस यहाँ से 4 की पावर 61 गया तो 4 की पावर 2 बचा, और यहाँ से 4 की पावर 61 गया तो 4 की पावर 3 बचा, भाई 61 चला गया तो 3 बच रहा है 64 में से, अब 4 की पावर 61 ठीक है, 4 की पावर 61 और यहां पर कितना है, बस सॉल्व कर लीजिए इसको, 1 प्लस 4 की पावर 1 का मान 4 4 की पावर 2 का मान 16 4 की पावर 3 का मान 64 सबको जोड़ लीजिए, ठीक है, 4 की पावर 61 सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 और 64 80 80 में 4 जोड़ो 84 84 में जोड़ो 85। अब इस 85 को ऑप्शन में से कौन सी संख्या ऐसी है जो पूरी तरह से विभाजित कर रही है, कौन सी संख्या ऐसी है, तो आप देखेंगे 3 से 85 नहीं कटेगा पूरी तरह से, 11 से भी नहीं, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से 17 25 85 कट जाएगा, भाई किससे कट जाएगा, 17 से 85 पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी, याद रखना इस बात को, ठीक है, ये जो पूरी संख्या है ये पूरी तरह से 17 से विभाजित है, क्लियर है, आंसर सभी को समझ